बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हें पता है हमारी प्रजा बहुत ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने यह कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य के लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सरजा की बेईमान है। बादशाह को बीरबल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, आप चाहो तो मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है जाओ, तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाज़त मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। ये सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज कराना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, एक लोटा दूध पतीले में डालना है, इतना ही प्रजा से काफ़ी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाला। हर किसी के मन में यही था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला है, अगर मैं पानी डाल दूं या पानी मिला हुआ दूध डाल दूं तो क्या हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगह पर ले गया जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफ़ेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा, महाराज दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है, इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफ़ेद है, वरना ये पानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ, मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ये बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल में आ गए। तो दोस्तों, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से चूकते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।